हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फतेह एडुकॉम। एनवायरनमेंट इकोलॉजी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, और आज का जो हमारा टॉपिक है ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के अंडर लास्ट टॉपिक है, प्रोजेक्ट हंगुल। सो हंगुल जो है, जिसको हम कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट के अंडर। सो इसके बारे में कम्प्लीट क्या क्या थ्रेट्स हैं और क्या कंजर्वेशन रिलेटेड एफर्ट्स जो हैं वो किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और इसका जो सेंसेस है वो भी हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी 2019 में लेटेस्ट सेंसस जो है वो किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो 1970s में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च किया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हंगुल और द कश्मीरी स्टैग। ठीक है, ये बेसिकली जो इसको सबसे मेजर थ्रेट है ये इसके हैबिटेट लॉस की वजह से है। एंड मोर ओवर, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो टेररिज्म की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ना। सो टेररिस्ट इंट्रूजन के कारण सबसे ज़्यादा इसका शिकार जो है वो होता है, एंड सबसे ज़्यादा इसका जो शिकार है वो इसके मीट की वजह से किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो डिक्लाइन हुआ है। राइट, सो इस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट जो था ये 1970s में लॉन्च किया गया था, तो इसके बाद 1980 तक आते आते इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 340 तक हो गई थी। बट आज की डेट में भी अगर इसकी पॉपुलेशन देखें तो आज की जो रीसेंट सेंसस है 2019 का, उसमें जो इसकी पॉपुलेशन है वो 237 तक पहुंची है। हालांकि अगर इसको हम पिछले सेंसस में जो 2017 में हुआ था उसके साथ कंपेयर करें तो 2017 में 214 के अराउंड जो थी वो इनकी नंबर था। बट फिर भी चलो थोड़ा बहुत ही इंक्रीज हुआ है, बट हुआ है। राइट, तो एंड दूसरी बात, जब इसको एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया था, इसके साथ साथ एशियाटिक लॉयन को और राइनोस को भी डिक्लेयर किया गया था एंडेंजर्ड, बट उनको जो प्रोटेक्शन मिली वो इस कश्मीरी स्टैग को नहीं मिल पाई, बिकॉज आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग ही रहा है। ठीक है, तो एशियाटिक लॉयन और जो इंडियन राइनो है उसके पार पे इसको जो है वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाई। बट अभी जो है इसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं, बिकॉज इसकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो एक ही जगह पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन कश्मीर तक ही रह गई है। पहले इसकी जो पॉपुलेशन थी वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में थी, हिमाचल में थी, ठीक है, पाकिस्तान में भी थी, बट आज की डेट में इसकी जो पॉपुलेशन है वो आप देख सकते हो सिर्फ डाचीगम नेशनल पार्क में ज़्यादा मेजर जो पाया जाता है यहाँ पे है। इसके अलावा सिंध वैली कश्मीर, राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कश्मीर में है, ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कश्मीर में है, एंड इन द फॉरेस्ट ऑफ किश्तवाड़ एंड बदरवा, तो ये टाउन्स भी कश्मीर में है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है कि ये रिस्ट्रिक्टेड है। एंड दूसरी बात, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो कश्मीरी लोग रहते हैं, वो वहाँ पे जो गोट्स होती हैं या शीप होती हैं उनकी वूल के लिए बेसिकली उनको जो है वो रेयर करते हैं, तो उसकी वजह से भी इनके, बिकॉज इनको ऑब्वियसली ग्रेजिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, एंड दूसरी बात कि इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी होगा। एंड ज़्यादा ज़्यादा आपको पता है जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ऑब्वियसली जो वाइल्ड लाइफ है उनके हैबिटेट को भी नुकसान पहुँचता ही पहुँचता है। तो बहुत सारे थ्रेट्स हैं। सो हंगुल जो है ये ओनली सर्वाइविंग स्पीशीज है एशियाटिक मेंबर ऑफ रेड डियर फैमिली की। सो मेल मेंबर्स जो होते हैं इनके सिर पे आप देख सकते हो ये काफ़ी सुंदर सुंदर एंटलर्स होते हैं, जिनकी वजह से इनको जो है वो इनकी पोचिंग की जाती है। बट आज की डेट में जो इनका लॉस हो रहा है, इनका नंबर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, वो मेनली इनके मीट को ऑब्टेन करने के लिए हो रहा है, और वो ज़्यादा जो मेन कारण है वो है कि वहाँ पे जो है वो घुसपैठिए घुस जाते हैं, ठीक है, कश्मीर में, तो वो ये सारे काम जो है वो करते हैं। सो कश्मीर रेड स्टैग इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। एंड कश्मीर स्टैग IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज का। सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज कब होती है, जब उसकी पॉपुलेशन जो है वो लास्ट डेकेड में 80% से ज़्यादा कम हो गई हो, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी तीन जनरेशन में उसकी पॉपुलेशन जो है वो 80% से भी ज़्यादा जो है वो कम हो गई हो, या फिर जो भी स्पीशीज़ है वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रेंज तक रिस्ट्रिक्टेड हो, तो हम उसको जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड मानते हैं। राइट, देन उसके बाद वंस कश्मीर स्टैग हैबिटेट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन, जो मैं अभी आपको बोल रही थी कि पहले नॉर्दर्न इंडिया में पूरा, जैसे हिमाचल प्रदेश में चंबा वैली में भी था, ठीक है, अभी पाकिस्तान में भी था, बट अभी जो है मेनली इसकी पॉपुलेशन जो है वो डाचीगम नेशनल पार्क में ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है।
सो 1950s तक इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रेयरेस्ट स्पीशीज ऑफ मैमल्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. डाचिगम नेशनल पार्क हैज़ बीन अफेक्टेड बाई द इंट्रूजन ऑफ टेररिस्ट. ठीक है, सो टेररिज्म की वजह से मेन इनकी पॉपुलेशन को का जो है वो नंबर डिक्लाइन हुआ है बिकॉज दे आर बींग किल्ड जस्ट फॉर देयर मीट. सो एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें उसकी स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उस तब इसकी पॉपुलेशन जो थी वो 5000 इंडिविजुअल्स के करीब थी. तो आज की डेट में आप देख लो 237 है, 2019 सेंसस की बात करें, है ना, तो कितना ज्यादा नंबर जो है वो डिक्लाइन हो गया. सो हाउ एवर ड्यू टू मासिव पोचिंग द इंट्रूजन ऑफ डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक इन द कश्मीरी स्टैक हैबिटेट एटसेट्रा इट्स नंबर ड्विंडल टू अराउंड 150 बाय 1970s. उसके बाद 1970s में ही ये जो प्रोजेक्ट कश्मीरी स्टैग या प्रोजेक्ट हंगुल जो था वो लॉन्च किया गया था. तो थ्रेट्स क्या है, सबसे पहला हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्या किस वजह से है, दो तीन कारण है. सबसे पहले तो ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से भी होगा, ठीक है, वो अपना हैबिटेट, अपना जो भी सराउंडिंग्स है उसको एक्सपैंड करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है. देन उसके बाद जो वो दूसरे एनिमल्स रेयर करते हैं जैसे शीप हो गया, गोट हो गया, तो उनकी वजह से भी इनके हैबिटेट को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा. एंड तीसरा जो टेररिज्म वगैरह है कश्मीर में, ठीक है, तो उसकी वजह से भी इनका मीट ऑब्टेन करने के लिए इनको मारा जाता है. सो ओवर ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक ये अनदर रीजन है जिसकी वजह से इनके पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है. दूसरा कुछ डिसीजेज भी होती हैं जिनकी वजह से कुछ पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचता है. एंड पोचिंग इज द ऑब्वियस रीजन के कश्मीरी स्टैग की पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है. उसमें सबसे ज्यादा जो मेजर रोल है वो टेररिज्म का ही है. सो कंजर्वेशन के लिए क्या क्या काम किए गए 1957 में, मतलब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले एक बायो कंजर्वेशनिस्ट थे एडवर्ड पी जी, जिन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने इसको और इसके साथ साथ मतलब कश्मीरी स्टैग के साथ साथ एशियाटिक लॉयन और राइनोज को एंडेंजर्ड स्पीशीज कंसिडर किया था इंडिया का, ठीक है. बट उन दोनों को जो प्रोटेक्शन मिली वो इतनी ज़्यादा हंगुल को नहीं मिली, तो उनके नंबर में तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है. बट अगर हम उनके साथ इसको कंपेयर करें तो इसका नंबर जो है वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है. सो इसके चलते बाद में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट के चलते बाद में इसको सीरियसली लेके जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ये प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च किया था, ठीक है. तो इसके प्रोजेक्ट के चलते चलते 1980s तक जो इसकी पॉपुलेशन थी वो 340 क्रॉस कर गई थी, ठीक है, 150 से 340 तक पहुंच गई थी. सो करंट स्टेटस क्या है कश्मीरी स्टैग का, इसको स्केड्यूल वन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का उसमें इसको लिस्ट किया गया है एंड द जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 के स्केड्यूल वन के अंडर. एंड इट हैज़ बीन लिस्टेड अमंग टॉप 15 स्पीशीज विच रिक्वायर हाई प्रायोरिटी इन कंजर्वेशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट. एंड इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है वो कंसिडर किया गया है, IUCN के अंडर लिस्ट किया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है. उसकी क्या क्या रीजन्स होते हैं या क्या पैरामीटर्स होते हैं, सॉरी, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे कि एक पॉपुलेशन जो है उसका नंबर 80% से ज़्यादा मतलब गिर गया हो इन द लास्ट डेकेड या फिर 3 generations में, या फिर वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक रेंज तक ही रिस्ट्रिक्शन हो, जैसे कि ये रिस्ट्रिक्टेड हो जैसे कि ये डाचिगम नेशनल पार्क तक है या फिर कश्मीर वैली में है, है ना. एंड इसके साथ कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं कि जैसे उसके जो पॉपुलेशन है वो 250 इंडिविजुअल से भी कम हो और फर्दर वो 25% जो है वो डिक्लाइन हो गई हो इन द लास्ट 3 years, राइट. एंड इसके साथ साथ हम और भी कह सकते हैं कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो 50 मेच्योर इंडिविजुअल से भी कम हो, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि ये मतलब हाई प्रायोरिटी कंजर्वेशन जो है इसको चाहिए. तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप को, एक स्पीशीज को, एक क्लास को हम जो है वो किसी क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट के अंडर डाल सकते हैं. इसके अलावा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड जो था वो 2010 में फाउंड किया गया. जो मेन इसका जो रीज़न था या ऑब्जेक्टिव था वो था जम्मू कश्मीर में जो वाइल्ड लाइफ है उसको सेव करना, और इसकी स्टार्टिंग जो थी वो हंगुल की कंजर्वेशन से की गई थी. और इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कम्युनिटी सपोर्ट लेना और लोगों को बताना कि कैसे हम वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस के बीच में जो है वो एक हार्मनी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं. एंड इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा जो भी इनको थ्रेट्स थे जो कश्मीरी स्टैग है उसको जो भी थ्रेट्स थे उनको कैसे दूर किया जाए उस चीज़ों के ऊपर जो था वो काम किया गया था. सो
अभी स्टेटस क्या है पॉपुलेशन का, लेटेस्ट सेंसस जो 2019 का आया है उसके चलते मतलब एनिमल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा डिक्रीज है विद लोएस्ट एवर मेल फीमेल एंड फॉन फीमेल रेशियोज. ठीक है, तो ये भी एक मीन्स खतरे की घंटी या खतरे का अलार्म है. फॉन फॉन होता है जो यंग डियर होता है उसको हम फॉन बोल देते हैं. सो इसकी बिकॉज देखो मेल फीमेल पॉपुलेशन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, या फिर पॉपुलेशन को फर्दर इंक्रीज करने के लिए, है ना. बिकॉज मेल नहीं हो गए फीमेल नहीं हो गए ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन का जो साइकिल है वो कम हो जाएगा. तो रिप्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली आगे चल के जो है वो इनका नंबर तो डिक्लाइन होगा ही होगा, है ना. तो ये सेंसस जो है ये स्टेट डिपार्टमेंट जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का उसने कंडक्ट किया है. एंड सेंसस हाउएवर शोज इसमें थोड़ा सा इंक्रीज आया, जैसे 2017 में 214 नंबर था और 2019 में जो नंबर है इनका वो 237 आया. बट अगर हम मेल फीमेल या फॉन फीमेल रेशियो की बात करें तो 15.5 मेल्स हैं पर 100 फीमेल्स एंड 7.5 फॉन्स हैं पर 100 फीमेल्स. सो मेल फीमेल एंड फॉन फीमेल रेशियो जो है ये काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है. 2004 जो पिछले सेंसस की अगर हम बात करें तो हर दो साल बाद के ये दो साल बाद जो है ये सेंसस होता है. तो 2004 2006 में जो हंगुल थे, मतलब 2004 में इनकी पॉपुलेशन 197 थी, 2006 में फिर थोड़ी सी गिर गई 153 हो गई, 2008 में और गिर गई 127 हो गई, 2009 में जो थी थोड़ी इंक्रीज हुई 175 हुई, फिर 2011 में और इंक्रीज हुई 218 हुई, 2015 में जो है इनका नंबर बहुत ज़्यादा फॉल हुआ 186, और इसका मेन रीज़न जो है वो टेररिज्म ही माना जाता है. एंड उसके बाद 2017 में इनका जो नंबर है वो 214 हुआ, और आज के जो सेंसस आया है 2019 का उसमें इसका नंबर जो है वो अगेन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 237. वहीं अगर हम इनकी मेल फीमेल रेशो और फॉन फीमेल रेशो का देखें, ठीक है, तो रिस्पेक्टिव ईयर्स में इनका जो रेशो है वो कम होता गया है. तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे डाटा जो है वो लिखा हुआ है. तो ये जो इम्बैलेंस है ये बहुत ही ज़्यादा एक मुद्दे की बात है, बिकॉज अगर पॉपुलेशन को बढ़ाना है तो ऑब्वियसली जो सेक्स रेशो है उसको भी नॉर्मल करना पड़ेगा, है ना, एंड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. तो इसके चलते गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट थी उसने 2013 में एक कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट किया था एट शिकारगढ़, जी श्रीनगर अनंतनाग हाईवे में है. बट वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई कि वहाँ पे जो लेपर्ड्स थे उनके लिए ये शिकार का मसला बन गए थे, ठीक है. तो ये अगेन पॉपुलेशन में थोड़ा सा फॉल भी आया उसकी वजह से, तो ये जो ब्रीडिंग सेंटर है इसको बंद करना पड़ा. तो अभी ये नॉन ऑपरेटिव है. तो फिलहाल अभी इसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है, इनकी पॉपुलेशन को लेके जो भी इनके थ्रेट्स हैं उनके ऊपर जो है वो काम हो रहा है. तो देखते हैं कि जो नेक्स्ट सेंसस आता है 2021 का तो उसमें इसका क्या बनता है. So that's all about Project Hangul. Thanks for watching.